बेल को लेकर के जो निचली अदालत से अरविंद पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, कहा है कि जब तक हम फैसला नहीं सुनाते हैं तब तक इस बेल पर स्टे रहेगा। देखिए हमारे देश में तीन लेवल की अदालतें हैं, निचली अदालत, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कल एक समाचार आया था कि लोअर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दिया है या देने वाली है। आज दिन भर की घटनाएं घटने के बाद जांच एजेंसी ने अपील किया और हाई कोर्ट ने उस बेल पे रोक लगा दी है। तो हम तो कोर्ट का सम्मान करते हैं, सुबह भी जब हमको ANI ने पूछा तो हमने यही कहा कि कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, मगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अब हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, हाई कोर्ट के संज्ञान में जो भी बातें आई होंगी, तो अगर उन्होंने स्टे लगाया इसका मतलब कि कहीं ना कहीं निचली अदालत के फैसले में कुछ कमी रह गई होगी। तो एक सांसद होने के नाते हमारा कोर्ट पे विश्वास है, जांच एजेंसियों पे विश्वास है, और हमें पूरा विश्वास है कि कोई कितना भी कुचक्र रच ले, दोषी को सजा मिलेगी और जो निर्दोष होगा वो बचेगा। लेकिन संजय सिंह और आम है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कहीं ना कहीं मोदी जी जो है जाइब करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मौकरी ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका का मजाक बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है और आम आदमी पार्टी लगातार इस तरीके के बयान देती रहती है। इसमें जांच एजेंसी और कोर्ट है। मैं तो कहूँगा आम आदमी पार्टी को कि कोर्ट का सम्मान करना सीखिए। अपराध करने के बाद आप झूठ बोल करके नहीं जीत सकते हैं, झूठ बोल करके आप बेल नहीं ले सकते। हमें कोर्ट पे भरोसा है, उन लोगों को भी कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए, और जांच एजेंसियां जो कर रही हैं उनके पास जो भी पुख्ता सबूत है उसके खिलाफ अगर बेगुनाही का सबूत है तो उनको देना चाहिए, वरना हमारा विश्वास है कि कोर्ट अपना सही काम कर रही है। मैंने सुबह भी कोर्ट पे कोई दोष नहीं मढ़ा, शाम को भी नहीं मढ़ रहा हूँ, मुझे जांच एजेंसी पे विश्वास है, कोर्ट पे ही विश्वास है। वो तो कह रहे थे कि अब हेमंत सुंगे कहीं ना कहीं ये कह रहे थे अनकंडीशनल बेल दी गई है और तमाम चीजें और कह रहे थे, और अब आम आदमी पार्टी को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या उनके लिए एक बड़ा सेटबैक है कि अब केजरीवाल जो है बाहर नहीं आ रहे हैं, कल सेलिब्रेट कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे? देखिए भ्रष्टाचारी के साथ जो होना चाहिए वो हो रहा है, ये तो बेल को भी मानते हैं कि हमारी आरोप से ही बरी हो गए हम। एक तो बेल होना, संजय सिंह को बेल हो गया तो आरोप से बरी थोड़ी हो गए हैं, और अरविंद केजरीवाल के मामले में जो भी जांच एजेंसी के पास सबूत है उस आधार पे उनका बेल नहीं हो रहा है। तो दिल्ली की जनता को एक बार विचार करना है। और देखिए एक बात मैं कहूँगा कि इस देश में न्याय है, और जो लोग लॉ अबाइडिंग हैं वो कोर्ट के हर निर्णय का सम्मान करेंगे। आम आदमी पार्टी को भी करना चाहिए। आज देखो आम आदमी पार्टी की एक मंत्री केजरीवाल के खिलाफ ही धरने पे बैठ गई है, आतिशी जी। आतिशी किसके खिलाफ बैठी हैं? दिल्ली में पानी का संकट है और आतिशी धरने पे बैठी हैं। पानी देने का काम किसका? अरविंद केजरीवाल सरकार का। तो इन लोगों का पूरा चरित्र आप देख लें, ये कहीं से भी जनता के हित के लिए नहीं लड़ते हैं। ये लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल के कूलर के लिए, ये लड़ेंगे अपने बेल के लिए। दिल्ली की जनता कैसे पिस रही है उनका इनको ध्यान नहीं है, दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी।